देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो ये हमारा क्या होगा, ये है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें बच्चों हो जाएगा ये sec x है तो इसे मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos x प्लस, और cosec x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin x। तो ये आपका sin x प्लस cos x, और ये हमारा LCM आ जाएगा sin x इंटू cos x। तो ये आपका क्या हो जाएगा cos x प्लस कॉस, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में हमारा ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओपन करेंगे इसे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो इसी में देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये हमारा किसके वन के इक्वल हो जाएगा, तो वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में है हमारा साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। इसे मैं लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं कॉसेक एक्स सेक एक्स प्लस टू, तो ये आपका हो जाएगा टू प्लस सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, जो कि आपका किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस क्यूईडी। ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए LHS इज इक्वल टू है हमारा कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं वन अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, और सेक एक्स मैं क्या कर सकता हूं, सेक एक्स में मैं कर सकता हूं वन अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू, और ये आपका हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये आपका हो जाएगा जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन कॉस एक्स इंटू, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका वन हो जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स मिल करके हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सब मिला करके ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस क्यू ई डी।